फ्रेंड्स, ये है एप्सन की मदरबोर्ड, एप्सन एल 360 का मदरबोर्ड है। और अभी ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये है इसका ई फॉर्म आईसी यानी कि बायोस आईसी, बायोस चिप। इसका हम 360 का अगर 380 लगा देंगे तो हमारा मदरबोर्ड 380 बन जाएगा। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल इस प्रिंटर की मदरबोर्ड को हम पहले रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये मदरबोर्ड अभी डेड कंडीशन में चला गया है। तो सबसे पहले डेड कंडीशन में अगर चला गया है तो इसको हमें कैसे सही करना है वो हम देखेंगे। और मैं ये ईप्रोम आईसी को भी चेंज करके देख इसको 360 से 380 बना दूंगा इसको, ठीक है। इस आईसी को निकल के इस वाले बोर्ड में लगा दूंगा, और साथ ही साथ इसका जो मेन कंट्रोलर आईसी है उसको भी चेंज करेंगे, और ये जो दो मॉस्फेट दिख रहा है इसको भी हमें चेंज करना होगा। ये दोनों मॉस्फेट तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, बट वो कंट्रोलर आईसी आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मॉस्फेट को कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। देखिए बीच वाले पे मतलब सभी को एक एक करके लगाएंगे तो जब मीटर पे जब रीडिंग आ जाएगा 0.0 तो आपको समझ लेना है कि ये मॉस्फेट ख़राब हो गया है, और साथ ही साथ ये कंट्रोलर आईसी को भी चेंज करना है। तो फिलहाल मेरे पास दूसरा एक मदरबोर्ड है, इसका कुछ और प्रॉब्लम है, बट इसका जो आईसी वगैरह है वो सही है। देखिए मॉस्फेट इसका रीडिंग आ रहा है, यानी कि मॉस्फेट सही है, और इसका कंट्रोलर आईसी भी हमें सही इसका मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कैसे मैं इसको रिपेयर करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें इस मॉस्फेट को खोल के इसमें दूसरे बोर्ड पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसको हम दो तरीके से खोल सकते हैं, एक तो हमें ब्लोअर से, दूसरा हमें जो आयरन होता है उससे खोल सकते हैं। बट हम ब्लोअर से अगर हॉट एयर गन से खोलेंगे तो थोड़ा सा रिस्की है, बट आपको ध्यान से करना होगा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो कंट्रोलर आईसी है इसको निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको खोलने के लिए आपको ब्लोअर की मदद लेना ही होगा, बट हीट आपको जो टेम्परेचर है उसको अच्छे से देख के 350 से 40 के बीच में रखना होगा, और एयर को थोड़ा सा कम रखना होगा, और इसको हिलाते रहना है, नहीं तो अगर एक ही जगह हम हीट करेंगे तो मदरबोर्ड इसका फूल जाएगा, ठीक है, और ख़राब हो जाएगा। इसका मदरबोर्ड इतना हल्का है, देखिए अभी आसानी से निकल गया है। तो इसको अभी साइड में रखेंगे, रखने के बाद ये दोनों मॉस्फेट को हम निकालेंगे। अभी ये वीडियो बहुत दिन पुराना था, बट इसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं दोबारा इस वीडियो को डाल रहा हूँ। देखिए आप लोग, आपका जितना भी एप्सन का ये 300 एल सीरीज़ का जो 210, 220, 360, 365, 380 सब में सेम इसका रहेगा, और आप ब्लोअर से निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए अभी 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 5 मिनट में ये काम हो जाएगा आपका, बट आपको जो हीट देना होगा वो ध्यान से देना होगा, ठीक है। देखिए आसानी से ये दोनों निकल गया है। अभी इसको हम साइड में रखेंगे और दूसरे बोर्ड पे चले जाएंगे। देखिए अभी मैंने जो जैसे हीट दिया है वो बोर्ड अभी भी सही है, उसका कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अभी इसका प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस इसका भी है। देखिए खोलना तो बहुत आसान है, बट इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है।
तो चलिए इसको भी करते हैं। और जब हम हीटिंग करेंगे तो उसके ऊपर पेस्ट ज़रूर लगाना है, नहीं तो पेस्ट अगर नहीं देंगे तो उसका जो प्रिंट है, प्रिंट उखड़ के आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सावधानी से करना होगा। देखिए मैं हीटिंग कर रहा हूँ, पेस्ट इसीलिए देना है, पेस्ट अगर देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बोट हीट हो गया है, जब क्योंकि जब इसका जो शोल्डर है वो जब ढीला हो जाएगा, मतलब लूज़ हो जाएगा, तब क्या होगा कि पेस्ट भी इसका गल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं हीटिंग कर रहा हूँ और ट्वीज़र की मदद से आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से ये लग गया है, तो इसको भी अभी हम साइड में रखेंगे। और दूसरा जो मॉसफेट है, दो मॉसफेट को अभी एक एक करके हम खोलेंगे। फ्रेंड्स ये मदरबोर्ड, एप्सन का मदरबोर्ड तो बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कैनन की मदरबोर्ड में इतना लफड़ा होता है कि वो मदरबोर्ड सही आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, रिपेयर करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। यही दिक्कत होता है एप्सन और कैनन की प्रिंटर में। एप्सन की प्रिंटर आपका मेंटेनेंस बहुत कम है, आसानी से ये सही होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, ठीक है ना। देखिए अभी मैं इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर रहा हूँ, सोल्डरिंग करके इसके ऊपर दोबारा मैं वो कंट्रोलर आईसी को लगा दूँगा। देखिए बहुत आसानी से ये काम कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं नया मैं ऑफिस खोला है, अभी नया ऑफिस जब मैं रेडी हो रहा था, नया ऑफिस रेडी करने के लिए मेरे को 2 महीने का वक्त लगा है, तो थोड़ा सा मेरे लिए अभी मुश्किल था वीडियो अपलोड करना। वीडियो मेरे पास बहुत सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बट अभी अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी हम इसको लगा देंगे, ये कंट्रोलर वाला आईसी को। तो इसको लगाने से पहले देखिए बिल्कुल ऊपर एक डॉट दिखेगा आपको, और मदरबोर्ड पे आपको इसका जो वाइट कलर का एक डॉट मिलेगा, वो ध्यान से देखना होगा। तो अभी मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलर आईसी को लगा के इसको अच्छे से सोल्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये मदरबोर्ड इतना हीट झेल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी हो सके मैं कर रहा हूँ इसको, अभी थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए मैं अभी पेस्ट लगा के इसको कर दे रहा हूँ, और मैं अभी वो सेम प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी इसको फटाफट लगा देता हूँ मैं, और लगाने से पहले ये जो एक्स्ट्रा जो शोल्डर है इसको हमें रिमूव करना होगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा अच्छे से, क्योंकि इसका जो होल है वो बहुत छोटा छोटा है, एकदम एक्यूरेट होल है इसका आईसी का, जो मॉस्फेट का जो लेग होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से क्लीन करना होगा, देन हम इसको लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अभी मैं एकदम इसको रेडी कर लिया है अभी, और एकदम बिल्कुल फैक्ट्री फिटेड जो रहता है सेम उसी तरह हो गया है अभी, और मैं फिटिंग भी इसका कर दिया है। तो चलिए इसको रेडी करके, रेडी तो हो गया, अभी इसको ऑन करते हैं। ये देखिए प्रिंटर हमारा ऑन हुआ है अभी, देखिए प्रिंटर ऑन है अभी।
वो सेंसर का थोड़ा सा लफड़ा हो गया था तो मैंने इसको दोबारा लगा दिया है। और अभी देखिए प्रिंटर हमारा रेडी हो रहा है। सो कैसे लगा वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।